हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि मुहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार नए नए प्रयोग किए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, उसने अलग अलग अभियान किए। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार उसने न केवल गृह नीति में परिवर्तन किए या अनेक सुधार किए, अपितु उसकी विदेश नीति भी उल्लेखनीय है। सबसे पहले हम इसमें जो बात करेंगे वो है खुरासान विजय की योजना। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो भी अलाउद्दीन की भांति ही भारत के बाहर के जो प्रदेश थे उनको जीतना चाहता था, और इसीलिए उसने खुरासान को जीतने की योजना बनाई। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी खुरासान की वो भी इससे संबंधित थी। ये हुआ कि खुरासान पर अबू सईद नामक एक अयोग्य शासक का शासन था। उसने अपने संरक्षक सरदार चौगान की कन्या को प्राप्त करने के लिए उस संरक्षक की हत्या कर दी। संरक्षक कौन था? चौगान। इससे खुरासान में क्या हो गया? विद्रोह फैल गया। सईद ने भी क्रूरता के साथ विद्रोहियों को कुचलना शुरू किया। इसलिए कुछ खुरासान से अमीर लोग जो वर्ग थे वो भागकर मोहम्मद बिन तुगलक की शरण में आ गए, और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को खुरासान विजय के लिए उकसाया। चूँकि सुल्तान स्वयं राज्य विस्तार की नीति का स्वप्न देखता था, अतः उसने बिना कुछ सोचे समझे 370,000 सैनिकों की एक नई सेना गठित कर ली। सैनिकों का एक वर्ष का वेतन क्या कर दिया गया? अग्रिम रूप से भी दे दिया गया, परंतु दूसरे ही वर्ष इस सेना को भंग कर दिया गया और खुरासान विजय की योजना को त्याग दिया गया। क्योंकि इस समय तक जो खुरासान की राजनीतिक स्थिति थी वो परिवर्तित हो चुकी थी, और अबू सईद ने अपने तमाम विरोधियों का दमन करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक को यह अनुभव हुआ कि भारत और खुरासान के बीच जो मार्ग है वो भी काफ़ी दुर्गम है। बीच में हिमालय पड़ता है जहाँ बर्फ भरी पड़ी है, इसलिए इस मार्ग से शत्रु से लोहा लेना बहुत कठिन कार्य हो सकता है। अतः उसने अपनी खुरासान विजय की जो नीति थी उसको त्याग दिया। दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो आपका है नगर कोट की विजय। 1337 ईस्वी में सुल्तान ने नगर कोट पर आक्रमण किया। नगर कोट पंजाब के कांगड़ा जिले में स्थित है, ये पहाड़ी भूभाग है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक लगभग बहुत सारे आपको पता है दक्षिण भारत में भी उसने अनेक अभियान किए थे, विजय प्राप्त की थी, परंतु नगर कोट का छोटा सा किला अभी तक स्वतंत्र था और वो भी एक हिंदू शासक के अधीन था। अतः 1337 में सुल्तान ने 100,000 सैनिकों के साथ इस किले पर आक्रमण कर दिया। हिंदू राजा ने सामना किया, लेकिन चूंकि वो मोहम्मद बिन तुगलक की जितना बलशाली नहीं था, अतः उसने अधीनता स्वीकार की और सुल्तान ने किला वापस उसको दिया और दिल्ली लौट आया। अगला जो आपका आता है वो कराजल का अभियान। सन 1337-38 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराजल का अभियान किया, मतलब वहाँ आक्रमण किया। जो कराजल है वो हिमालय की तराई में स्थित एक प्रदेश है, वहाँ भी हिंदू शासक था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह हिंदू राज्य सल्तनत के विरोधियों का आश्रय स्थल बना हुआ था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जीतने का निश्चय किया। दिल्ली से एक शक्तिशाली सेना के साथ सुल्तान ने इस पर आक्रमण किया। प्रारंभ में काफ़ी सफलता मिली, परंतु वर्षा ऋतु के आगमन से उस पर्वतीय क्षेत्र में शाही सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उधर हिंदू शासक ने भी घबराकर संधि वार्ता शुरू कर दी। सुल्तान उससे युद्ध का हर्जाना लेकर वापस लौट आया। फरिश्ता, जो उस समय समकालीन जो इतिहासकार था, फरिश्ता के विवरण के आधार पर कुछ लेखकों ने आधुनिक काल में जिन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि कराजल अभियान को सुल्तान की चीन और पश्चिमी तिब्बत की विजय योजना बतलाकर असफल ठहराने का प्रयास किया है, जो उचित नहीं है। सुल्तान ने चीन को जीतने का कभी विचार नहीं किया था, और न ही किसी समकालीन इतिहासकार ने उसकी चीन विजय योजना का उल्लेख किया है। अगला जो आपका आता है वो है राजस्थान पर आक्रमण। राजस्थान पर आक्रमण के बारे में भी इतिहासकारों का मतभेद है। कुछ इसमें यह है कि उस दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में राजस्थान में सैनिक अभियान हुआ या नहीं,
क्योंकि राजपूत गाथाओं के अनुसार सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, परंतु चित्तौड़ के राणा हमीर देव ने उसे बंदी बना लिया और तभी रिहा किया, जबकि सुल्तान ने हमीर को अजमेर, रणथंभौर और नागौर के इलाके देना स्वीकार कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विवरण अतिशोक्तिपूर्ण है, परंतु मोहम्मद तुगलक को पराजय का सामना करना पड़ा था। इसकी पुष्टि कर्नल टॉड, एस काइन, पंडित ही ओझा आदि विद्वानों ने भी की है। चूँकि समकालीन और परवर्ती मुस्लिम इतिहासकारों ने सुल्तान के इस अभियान का उल्लेख ही नहीं किया है, अतः ईश्वरी प्रसाद और मेहंदी हसन इसे सही नहीं मानते हैं। अगला जो विदेश नीति में आप लिखेंगे वह है मंगोल आक्रमण। जब सुल्तान दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेके गया था, उसी समय 1328-29 के आसपास मंगोलों ने उत्तरी पश्चिमी भारत में आक्रमण किया। इनका नेता था तर्माशिरी। इस जो विशाल सेना के साथ तर्माशिरी ने सीमांत क्षेत्रों मुल्तान, लाहौर से लेकर दिल्ली तक क्षेत्रों को रौंद डाला। चूँकि सुल्तान उस समय मंगोलों से प्रतिशोध लेने के लिए तैयार नहीं था, अतः ये कहा जाता है कि उसने मंगोल नेता को भारी रिश्वत देकर लौटा दिया। सुल्तान की इस नीति की सभी इतिहासकारों ने निंदा की है। अगला जो आपका आता है वो चीन से संबंध। चीन के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। सुल्तान ने कराजल जो अभियान किया, उसके उस समय शाही सेना ने हिमाचल प्रदेश के कुछ बौद्ध मंदिरों को तोड़ डाला था। 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगन तिमूर ने अपना एक राजदूत मोहम्मद तुगलक की सेवा में भेजा और उससे बौद्ध स्थानों की मरम्मत करवाने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इसके बाद सुल्तान ने 1342 में इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता 1347 में वापस लौटा। तो हम देखते हैं कि चीन से संबंध मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मैत्रीपूर्ण रहे और यहाँ राजदूतों का आदान प्रदान हुआ। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसकी विदेश नीति क्या थी, या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए अभियानों का विवरण दीजिए, या मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ कहाँ आक्रमण किए उसका उसकी विजयों के बारे में बताइए, तो उसमें आपके ये सभी अभियान आ जाएंगे। वो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए भी पूछ सकता है शॉर्ट नोट में, जैसे खुरासान का अभियान क्या था, या कराजल का अभियान क्या था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो मंगोल आक्रमण हुए उनके बारे में बताइए, तो हम ये सब चीज़ें बता देंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी जो आंतरिक नीति क्या थी, जो उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, जो उसने राजधानी परिवर्तन किए, ये जो सब जो उसकी नीतियाँ थी, जो उसने दोआब में राजस्व बढ़ाया, तो देखते हैं कि उसकी जो नीतियाँ थी वो कुछ मात्रा में असफल सिद्ध हुई। तब हम जब क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र का मूल्यांकन कीजिए या मोहम्मद बिन तुगलकों के बारे में बताइए, तो आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र में विरोधी तत्वों का एक विचित्र सम्मिश्रण था। ठीक है, क्योंकि वो नए नए प्रयोग करने वाला था, वो अपने जो काल था उसके काफ़ी आगे था। जब हम देखते हैं कि वो एक प्रखर बुद्धि वाला विद्वान था, उसको अरबी फारसी का उच्च कोटि का ज्ञान था, वो एक अच्छा साहित्यकार भी था, आलोचक भी था, दर्शन, नीति, गणित, विज्ञान, ज्योतिष, तर्कशास्त्र आदि की उसकी गहन जानकारी थी। इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथों एवं कानूनों का वो गहन क्या था अध्ययन करता था, और उसकी जो स्मरण शक्ति थी वो भी क्या थी आश्चर्यजनक थी। तो हम देखा करते कि एक ये भी इतिहास में देखा गया है कि वो जितनी भी जो घोषणाएं जारी करता था उन फरमानों को वो स्वयं लिखता था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चूँकि वो एक बुद्धिमान शासक था, वो एक ज्ञानी पुरुष था, इसलिए उसने अपने समय में अनेक प्रयोग किए, पर उसके प्रयोग असफल रहे। इसका एक कारण ये भी था क्योंकि वो अपनी योजनाओं को जैसे लागू करता था उस उनको जैसे वो असफल दिखने लगती थी उनको टाइम नहीं देता था और उनको वापस ले लेता था। अगर जैसे हम सांकेतिक मुद्रा में ही देखें, अगर वो थोड़ा जो अगर उसको थोड़ा टाइम लगाता, या जो जहाँ अपने जो सोने चांदी की मुद्राएं ढलती हैं
वहाँ अगर सरकारी अंकुश लगा देता तो उसको कुछ हद तक सफलता मिल सकती थी, लेकिन जैसे उसने लगा कि गबन हो रहा है उसने वापस अपनी योजना ले ली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने अपने जो उसने जो योजनाएं थी उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया और जल्दी वापस ले लिया। अगर वो टाइम देता तो हो सकता है उसके परिणाम कुछ और होते। स्त्रियों का भी वह सम्मान करता था, अपने गुरुजनों का भी वह बहुत अधिक मात्रा में सम्मान करता था। वो एक निष्ठावान मुसलमान था और सभी धर्म जो अपने जीवन में जीवन के धर्म के नियमों का जोर शोर से पालन करता था। पांचों समय वो नमाज पढ़ता था, ठीक है, लेकिन वो इस्लाम के जो अंध रीति रिवाज थे उनके खिलाफ था। आपको मैंने पहले बताया था कि उलेमा वर्ग पर उसने अंकुश लगा रखा था, वो धर्म को राजनीति से अलग रखता था। इसी प्रकार वो उसका जो रण कौशल था, सैनिक पराक्रम था, वो भी बहुत अधिक मात्रा में था। मैंने देखा कि आपको उसने अनेक अभियान किए जिसमें उसको सफलता भी मिली, अपितु उसने जो मंगोलों के खिलाफ जो उसमें उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो वहाँ अभियान कर सके या उनको हरा सके, तो उसने कूटनीति का साहस लिया। तो हम देखते हैं कि जो मुहम्मद बिन तुगलक था उसको चरित्र के लेके जो बहुत अधिक बातें कही गई है तो उसके बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि वो उसमें चूँकि वो क्रोध और उत्तेजना ज़्यादा थी इसलिए वो कभी कभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता था या फिर वो तुरंत क्विक निर्णय ले लेता था। एक शासक के रूप में अगर हम उसका मूल्यांकन करें तो देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा। सुल्तान बनते समय उसे एक विशाल साम्राज्य और भरपूर राजकोष मिला था, जनता का उसको समर्थन भी था, परंतु मरते समय उस विशाल साम्राज्य का एक बड़ा भाग वो खो चुका था और शेष हिस्से में भी शासन व्यवस्था लड़खड़ा रही थी। राजकोष लगभग खाली हो चुका था। उसने शासन व्यवस्था को सुधारने तथा जनता के परोपकार के लिए अनेक सुधार किए, नए नए प्रयोग किए और नई नई योजनाएं बनाई, परंतु लगभग सभी में वह नाकामयाब रहा। इसका मूल कारण मैंने आपको पहले भी बताया, उसका उतापलापन था। वो तुरंत कोई निर्णय लेता था और तुरंत ही वापस लेता था। वह किसी भी योजना के व्यवहारिक पक्ष की ओर विशेष ध्यान नहीं देता था और एक निरंकुश शासक होने के नाते किसी अन्य व्यक्ति से परामर्श भी नहीं लेता था। उसकी विफल योजनाओं से जहाँ एक तरफ राज्य को अपार आर्थिक हानि उठानी पड़ी, वहीं दूसरी तरफ जनता को आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक और मानसिक कष्ट भी उठाना पड़ा, परंतु उसकी योजनाएं पागलपन की सनक नहीं थी। यदि परिस्थितियों तथा अधिकारियों ने उसका साथ दिया होता तो वो अवश्य ही सफल रहा होता और हमें परिणाम दूसरे मिलते, ठीक है। तो हम ये बताएंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो कोई पागल शासक नहीं था या कोई वो बेवकूफ़ शासक नहीं था, अपितु वो थोड़ा बस ये था कि वो जो अपने समय से आगे चल के प्रयोग कर रहा था, और उनकी जब भी वो कोई नया प्रयोग करते या तो उसकी परिस्थितियां ख़राब हो जाती या फिर उसके अधिकारी सही समय पर उसकी सूचना नहीं देते, इसलिए उसकी योजनाएं असफल रही। लेकिन उसका जो उद्देश्य था उसकी योजनाओं का वो कहीं ना कहीं जनता का हित करना था। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।